सो हे एवरीवन, दिस इज़ आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम सिविल थ्रेडिंग में मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, डेट इज़ राउंड अबाउट। जैसा आप यहाँ पे स्लाइड में चेक कर पा रहे हैं, बेसिकली राउंड अबाउट जो आपका डिज़ाइन होगा वो पूरे तरीके से व्हीकल की डिज़ाइन स्पीड पे बेस होता है, जिसमें हम अलग अलग क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं। जो व्हीकल की स्पीड होगी वो हर एक एक लेन के लिए अलग अलग होगी। तो डिज़ाइन स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है, रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हो, क्या व्हीकल की स्पीड के बिहाफ पे कर्व कैसे डिफाइन करना है, या फिर आपको कोई आर्म यहाँ पे डिज़ाइन करनी हो, सेंटर आइलैंड यहाँ पे डिज़ाइन करना हो, सो वन बाय वन हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे। राउंड अबाउट बेसिकली आपने जितने भी मेजर सिटीज़ है वहाँ पर आपने देखा होगा, ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, यानी कि ट्रैफिक में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपका एक बेटर तरीके से मूवमेंट होती रहे व्हीकल की, तो इस पर्पज़ के लिए हम बेसिकली राउंड अबाउट का यूज़ करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे वो सभी IRC कोड्स के बिहाफ पे, जिसमें हम इंडियन रोड कांग्रेस का जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है, और जो रेडियस रहेगा व्हीकल की स्पीड के बिहाफ पे कार का क्या रेडियस है, सो उस वाले कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग है, कार डेप्थ में डिज़ाइन किया गया है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। राउंड अबाउट तब आपका डिज़ाइन होगा तो हम इसमें बेसिकली चार अलग अलग इंटरसेक्शंस या फिर रोड हम लेकर के चलेंगे, जिसमें हर एक आर्म होगा आपका जो कि अलग अलग स्पीड के बिहाफ पे डिज़ाइन होगा, जिसमें सेंटर आइलैंड है, वीविंग लेंथ आपको डिज़ाइन करना है, सर्कुलर रोड मेंशन करना होगा, रिंग रोड यहाँ पे डिफाइन करना है, और ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया हम बेसिकली सरफेस के ऊपर करने वाले हैं। तो अगर आप सरफेस को यहाँ पे डिज़ाइन करोगे तो सरफेस टोपोग्राफी में कोई एलिवेशन रहेंगे हमारे पास, उस सरफेस का भी एनालिसिस यहाँ पे रहेगा, और उसी सरफेस के बिहाफ पे तब आप राउंड अबाउट डिज़ाइन करेंगे तो 3D व्यू आपके पास कैसे होगा, व्हीकल का मूवमेंट वहाँ पे कैसे होगा, चेनेज के बिहाफ पे आप यहाँ पे एक 3D एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बहुत डिटेल में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। जो आपका राउंड अबाउट डिज़ाइन होगा उसके कुछ प्रिमिटिव्स मैंने आपको यहाँ पे शो करे हैं, जो बेसिकली प्रीवियस प्रोजेक्ट के हैं, तो आप कुछ रेंडर्ड इमेजेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट मैंने यहाँ पे शो किया है, और जो राउंड अबाउट हम बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं उसमें ये पूरा सेक्शन आपके पास रहेगा, जिसमें एंट्री विड्थ आपको डिफाइन करना है, इंस्क्राइब सर्कल का रेडियस है, अप्रोच विड्थ आपको डिज़ाइन करना है, गिव वे आपको बनाना होगा, आइलैंड आपको क्रिएट करना है, वेविंग लेंथ रहेगा, एंट्री और एग्जिट रेडियस के साथ साथ स्प्लिटर आइलैंड आपको डिफाइन करना है। इसके अलावा जो मार्किंग आपने देखी है हाईवे के ऊपर, कुछ रंबल स्ट्रिप्स आपने देखी होंगी, या फिर जेब्रा क्रॉसिंग हम बेसिकली मेंशन करते हैं, तो पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आपको 1x1 करना है। स्पीड का एनालिसिस करना होगा, जिसमें टोटल चार तरह के इंटरसेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, चार हाईवे हैं, चार अलाइनमेंट हम क्रिएट करेंगे विद मल्टीपल सेक्शंस, मल्टीपल चेनेज, मल्टीपल RD, और इन्हीं के ऊपर आपको स्पीड का कैलकुलेशन करना है। सो बहुत डिटेल में है कॉन्सेप्ट, वीडियो बहुत डेप्थ में बनाया गया है कोड्स को लेकर के, और जो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, जो डेटा है वो बेसिकली नेशनल हाईवे का डेटा है, तो इंटरसेक्शन का ही यहाँ पे मैंने जो बेसिकली पूरा एक सर्वे डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, उसी के पॉइंट्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और उसी कोर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, कोड को यूज़ करते हुए हम एक क्राइटेरिया को डिटेल में समझते हैं, राइट। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप सिविल थ्रेडिंग कोर्स को इन डिटेल में सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, कैसे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, DPR कैसे क्रिएट करोगे, ये सभी कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो लाइव ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल बैच भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें जो ट्रेनिंग है वो पूरे तरीके से लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहेगी, लाइव डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें DPR मेंशन करना। सिविल थ्रेडिंग कोर्स को अगर आप प्रोफेशनल वे में भी सीखना चाहते हैं, 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सो कमेंट में मैंने पिन किया है जो लिंक है वेबसाइट का, आपको कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कुछ प्रीवियस वीडियोज़ आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं फॉर डेमो सेशंस, और बहुत डिटेल में वहाँ पर मेंशन है, सभी कॉन्सेप्ट हैं, पूरा डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा, कोर्स कोड की फाइल्स होंगी वहाँ पे, IRC कोड्स को मेंशन करना, स्टडी करना, डिटेल्स आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हो तो किन हम 12 फॉर्मूलेज का यूज़ करते हैं बेसिकली सुपर एलिवेशन के लिए, और हाईवे अलाइनमेंट आपको डिज़ाइन करना है, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, कटफिल निकालना, सो सभी कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे इन बोथ ऑफ द ट्रेनिंग्स, सो इट्स अ बेटर ऑप्शन टू ज्वाइन द सेशन। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करते हैं यहाँ पे सिविल थ्रेडिंग का, और राउंड अबाउट बनाने के लिए देखो जरूरी नहीं है कि हम कोई पॉइंट्स यहाँ पे इंसर्ट करें या फिर उस पॉइंट के हेल्प से कोई सरफेस क्रिएशन करें,
और सरफेस बनाने के बाद आप अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करोगे, कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट आपके पास होगा या फिर आप पॉलीलाइन को अलाइनमेंट में कन्वर्ट करो, और इन सभी की हेल्प से हम एक प्रोफाइल बनाएं, देन सब असेंबली, ये पूरा काम हम करेंगे, लेकिन उसमें कुछ मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। पहला ये है कि आप इन सभी ऑप्शन का यूज ना करते हुए भी डायरेक्ट राउंड अबाउट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो स्पीड स्टडी हम करेंगे, जो डेटा एनालिसिस हमारे पास होगा, या फिर जो कर्व्स वहाँ पे बनेंगी, जो स्ट्रिप्स आप मेंशन करोगे, उनका कोई हमारे पास प्रॉपर एलिवेशन नहीं होगा, कोई ग्राउंड डेटा के बिहाफ पे एनालिसिस हमारे पास नहीं होगा। सो बेटर ये है कि हम ये सभी डिटेल अगर हम एनालिसिस देखें राउंड अबाउट का, स्पीड स्टडी को भी अगर हम चेक करें, किस तरह के वहाँ पे कर्व क्रिएट होंगी, ठीक है, जो भी वहाँ पे रिजल्ट होगा, स्पीड स्टडी सुपर एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, किस लोकेशन पे होगा, एलिवेशन क्या होना चाहिए ग्राउंड का, तो इन सभी कॉन्सेप्ट के लिए बेटर ये होगा कि हम एक सरफेस क्रिएट कर लें। तो सरफेस में यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, एक शॉर्ट सरफेस लेकर के चल रहा हूँ, जितना एरिया सिर्फ और सिर्फ हमें राउंड अबाउट का ही क्रिएट करना होगा, राइट। तो मैं 500/500 का एक एरिया यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको हम कन्वर्ट करेंगे सरफेस में, और ठीक उन्हीं के बिहाफ पे हम यहाँ पे एक राउंड अबाउट क्रिएट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इंसर्ट पे आते हैं और पॉइंट्स फ्रॉम फाइल को यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, फाइल नेम इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, और कोई भी एक डेटा यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, लाइक 41st एवेन्यू यहाँ पे है आपके पास, छोटा लाइट डेटा मेंशन कर लेते हैं, मैंने इसको किया ओपन। अब इसके बाद क्या है कि जो डेटा आपने यहाँ पे मेंशन किया उसका फिल्टरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ये सबसे पहले पॉइंट नंबर होगा, देन ये स्ट्रिंग नॉर्थिंग एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे फाइल को लेकर के आते हैं, ओके कर लेते हैं, तो आप नोटिफिकेशन चेक करो कमांड पैनल पे, एक स्टेप पीछे गया, दैट इज आईसी इंपोर्ट पॉइंट्स। अब आप यहाँ पे पॉइंट देखो आपको विजिबल नहीं है, तो विजिबल करने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप यहाँ पे जो भी आपके पास WCS आइकन क्रिएट होगा आप इसे टॉप पे क्लिक कर लें, अदरवाइज आपको यहाँ पे जेड एंटर और एक्सटेंड टिल पर आपको प्रेस करना होगा, राइट। अभी देखो जो डेटा यहाँ पे क्रिएट हुआ काफी बड़ा डेटा है, तो इस डेटा को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे इस वाले पॉइंट्स को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिलेक्शन करके मैंने यहाँ से किया डिलीट। अब जो डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, जो भी डेटा यहाँ पे गिवन है, इस डेटा के बिहाफ पे हमें सबसे पहले जो राउंड अबाउट हम क्रिएट करेंगे उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट्स होंगे वो बेसिकली स्पीड स्टडी के बिहाफ पे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब क्या करना है कि जो डेटा आप यहाँ पे लेके आए इनको सबसे पहले सरफेस बनाते हैं। सो फॉर सरफेस यू हैव टू सेलेक्ट द प्रोस्पेक्टर आइकन, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सरफेस, अदरवाइज आप होम के पैनल पे आकर के यहाँ से भी क्रिएट डिजाइन के पैनल में, क्रिएट ग्राउंड डेटा में भी सरफेस इजिली क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट आपको कर लेना है पहले ऑप्शन को, और यहाँ से जो नेम गिवन है डेट इज सरफेस, इसको हम एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी में मैंशन कर देते हैं, जिसके लिए जो नेम है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एग्जिस्टिंग सरफेस, मैंने इसका नेम यहाँ पे रखा, और इसको करते हैं यहाँ से ओके। अब सरफेस का सिर्फ आपने नेम क्रिएट किया है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, जो डेटा आपके पास आया है, इनका एक कंटूर क्रिएट हो। सो उसके लिए सरफेस के सामने एक एक्सपेंडेड आइकन मिलेगा, डेट इज प्लस आइकन, सेलेक्ट करते हैं इसे, और एग्जिस्टिंग सरफेस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होता है, आप डेफिनेशन को सिलेक्शन करोगे और फिर से हमें प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारे पास लास्ट थर्ड ऑप्शन आता है, डेट इज पॉइंट ग्रुप्स, सिलेक्शन आपको कर लेना है, राइट क्लिक आप करोगे और यहाँ पे हमें ऐड कर लेना है इन पॉइंट्स को। तो अभी जितने भी पॉइंट्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं तो वो सभी ऑल पॉइंट्स के कैटेगरी में होंगे, जो हमने डिलीट कर दी वो पॉइंट यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे। ऑल पॉइंट्स को सिलेक्शन करते हैं, अप्लाई मैंने किया, ओके कर देते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि कंटूर क्रिएट यहाँ पे हुए। अब इन कंटूर में किस तरह का क्लासिफिकेशन होगा, आपको जो चैनेज वैल्यू मेंशन करनी है, एलिवेशन फाइंड आउट करोगे, क्लासिफिकेशन दिखाना चाह रहे हो कंटूर के अलग अलग कैटेगरी में, या फिर स्लोप का एनालिसिस चाहिए, डेटा एनालिसिस मेंशन करना है, एरो क्रिएट करना है, या फिर ड्रेनेज कंडीशन आपको शो करनी है, तो इसके लिए भी पहले एक डिटेल वीडियो बनाया गया है, वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसमें तब आप सरफेस को सिलेक्शन करते हो तो जिससे रिलेटेड एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है, चाहे इसकी प्रॉपर्टी में कुछ एलिवेशंस को हमें डिफाइन करना हो, और इन सभी कंडीशंस का डिस्प्ले कैसे करना है, मेजर कंटूर, ग्रेडेड वॉल्यूम, एलिवेशन, स्लोप, स्लोप एरोज, वाटरशेड, इनको एडिट कैसे कर सकते हो आप, प्लॉट स्टाइल कैसे करना है, लाइन वेट, लाइन टाइप, लाइन स्केल में जो भी कलर कोड होगा लेयर में कैसे चेंज करोगे, वाटरशेड क्रिएशन करते टाइम सरफेस, लेजेंड, बाउंड्री पॉइंट या फिर मल्टी ट्रेन कैसे हम विजिबल करें,
ये सभी ऑप्शन बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं, सो यू कैन इजिली चेक इट राइट। अभी मैं एक डायरेक्ट मेथड यहाँ पे फॉलो करता हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या किया, जो सरफेस आपने क्रिएट किया, आप सरफेस बनाने के बाद जब आप राउंड अबाउट क्रिएट करोगे तो उसके लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, और रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे एक पॉलीलाइन मेंशन कर देता हूँ। सिर्फ क्रॉसिंग पॉइंट मुझे मेंशन करना है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पॉलीलाइन, ठीक है। सरफेस हमारे पास काफी बड़ा है तो उसी मेथड को मैं फॉलो करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इस वाले ऑब्जेक्ट पे, और एक एंडिंग पॉइंट मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। जो टोटल स्ट्रेंथ चेंजेज मुझे मिल रहा है लगभग अप्रोक्स 1 किलोमीटर का यहाँ पे गिवन है राइट। एंटर प्रेस करते हैं और ऐसे ही एक और मैं पॉलीलाइन क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं क्रॉसिंग इफेक्ट यहाँ पे शो करता हूँ राइट। यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं कुछ यहाँ से मेंशन करता हूँ इस वाले पॉइंट से। ध्यान रखिएगा कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करना, अगर किसी पॉइंट को लेंगे तो जो एलिवेशन है आपका फर्स्ट सिलेक्टेड एलिवेशन ही डिफाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से इन पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया, ओके। अब आप नोटिस करोगे कि मेरे पास एक इंटरसेक्टेड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब जो मैं राउंड अबाउट यहाँ पे क्रिएट करूंगा वो इसी इंटरसेक्टेड पॉइंट पे क्रिएट करने वाले हैं। सो राउंड अबाउट के लिए देखो, आप क्रिएट डिजाइन के पैनल पे आओगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेलेक्ट आपने किया, आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्शन करना है, डेट इज क्रिएट राउंड अबाउट। अब राउंड अबाउट तो आपके पास क्रिएट होगा तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप किस कोड को फॉलो करना चाहते हो। तो यहाँ पे चेक करो, ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रिया, ब्राजीलियन, ब्रिटिश, अलग अलग कैटेगरीज गिवन है, अलग अलग कोड यहाँ पे गिवन है, डिजाइन स्टैंडर्ड है। सो मैं यहाँ पे यूएस जंक्शन डिजाइन को फॉलो करता हूँ। आपको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करते टाइम आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मेक डिफॉल्ट प्रिंट प्रोसीड किसी भी तरह का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ, तो हमें फिर से एक प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। अब आपको एक कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी कि यूएस फेडरल हाईवेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर किस तरह का कंडीशन आप करना चाह रहे हो, आपको किस कोड को फॉलो करना है। सो सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट द 2010 जो कोड है उसके बिहाफ पे लेकर के चल रहे हैं। और हमें जो कोड चाहिए यहाँ पे, मतलब हमें जो राउंड अबाउट चाहिए वो अर्बन में रखना है, रूरल में लेकर के चल रहे हो, और ट्रिपल लेन आपको मेंशन करना है, मिनी राउंड अबाउट बनाना है, तो जिसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। मुझे जो यहाँ पे करना है, अर्बन डबल लेन चाहिए, स्पायरल मार्किंग राउंड अबाउट मुझे मेंशन करना है जिसमें सारी डिटेल्स आपके पास गिवन होंगी। इसमें अगर फर्दर ऑप्शंस को हाईलाइट कराना चाह रहे हो तो प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करो जिसमें विजिबिलिटी साइट लाइन गिवन है, साइनेज होंगे आपके पास, रोड के मार्किंग्स यहाँ पे गिवन होगी। आपको सिलेक्शन करके यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद नोटिफिकेशन आता है, देयर इज करंटली नो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल ट्रैकिंग। अब ये व्हीकल ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ओके। अब देखो यहाँ से कुछ कैटेगरीज हैं, यानी कि नेम आपसे पूछा गया है राउंड अबाउट का, जो भी आपको नेम रखना है। तो राउंड अबाउट को हम रोटरी भी डिजाइन कर देते हैं, सर्कुलेटरी भी डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया एक रोटेटरी सर्कल मुझे बनाना है, ठीक है, या फिर सर्कुलेटरी डिफाइन करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट सर्कुलेटरी राइट। एलिवेशन मुझे कैलकुलेशन करने होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इंस्क्राइब सर्कल डायमीटर। देखो, तब आप यहाँ पे राउंड अबाउट बनाते हो तो इसमें जो वीविंग लेंथ होंगी, इनर डायमीटर कितना होगा सर्कल का, सेंटर लाइन डायमीटर कितना होगा, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। जैसा आपने स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में देखा, स्लाइड में आपने चेक किया। अब जो सर्कल डायमीटर है इंस्क्राइब, मिनिमम मैक्सिमम दोनों कंडीशंस आपके पास गिवन, मिनिमम होना चाहिए 45 मीटर का, मैक्सिमम होना चाहिए 67 मीटर का। तो हम यहाँ पे जो कंडीशन लेकर के चल रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। हमने माना कि जो सर्कल डायमीटर है इंस्क्राइब सर्कल डायमीटर वो 60 मीटर का होना चाहिए। सेंटर आइलैंड डायमीटर जो है मैं 28 मीटर का लेकर के चलता हूँ। एप्रोन विड्थ मैंने 2 मीटर का रखा, और सर्कुलेटरी लेंस जो है वो मैं 3 लेकर के चलता हूँ, ठीक है। मैंने टोटल 3 लेन यहाँ पे डिफाइन किए। अब जैसे ही आपने 3 किया तो नोटिस किया कि जो सर्कल डायमीटर था इंस्क्राइब वो मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, हमारे पास एक वार्निंग साइन शो करेगा, स्पीड का भी हो सकता है, वो एरिया का भी हो सकता है, वो लेंस का भी हो सकता है, यानी कि वो डिफाइन करेगा कि आपने जो लिमिटेशंस डिफाइन की थी पर्टिकुलर कोड के बिहाफ पे उनको हम एक्सटेंड कर रहे हैं राइट। इसके बाद यहाँ पे कुछ अपीयरेंस आपसे पूछे गए हैं। अगर आप 2 लेकर के चलना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 2, ओके। अपीयरेंस आपसे पूछा गया है, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द सरफेस। अब सरफेस देखो, आपके पास एग्जिस्टिंग सरफेस था जो कि आपने सिलेक्शन किया, हम यहाँ पे सरफेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। और फाइनल सरफेस हमारा कौन सा होगा, एग्जिस्टिंग। यहाँ पे 2 ऑप्शन गिवन है, अगर आप प्रपोज सरफेस बनाना चाह रहे हो
और एग्जिस्टिंग कोई अलग एलिवेशन लेकर के चलना चाह रहे हो तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप प्रपोज पे भी मेंशन कर सकते हो, आप एग्जिस्टिंग पे भी मॉडलिंग कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे गिवन है प्रोजेक्ट प्लान ऑन टू फाइनल सरफेस, तो आपको फाइनल सरफेस पे प्लान करना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखो आपसे नोटिफिकेशन आ रहा है, सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यू राउंड अबाउट। तो जो नया राउंड अबाउट हम क्रिएट करेंगे उसका एक लोकेशन आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ माई राउंड अबाउट। जैसे ही आपने सिलेक्शन किया है तो सिलेक्शन करते ही देखो यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो गए, सर्कुलेटरी गिवन था जो कि आपने क्रिएट किया वो इजिली आपको यहाँ पे मिल गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपसे पूछा गया है सेलेक्ट द लाइन डिफाइनिंग द न्यू एक्सेस रोड सेंटर लाइन। अब जो आपने चार पॉलीलाइन यहाँ पे डिफाइन की थी ये बेसिकली रेफरेंस ऑब्जेक्ट है आपके पास, लाइक दीज आर द लाइन जो कि हम एक रोड को एक्सेस डिफाइन करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटर लाइन, ओके। सो डिफाइन कर लेते हैं कि मेरे पास पहला लेन होगा ये। जैसे ही आपने सिलेक्शन किया नेम आपको मिल गया आर्म वन। मान लीजिए ये मेरे पास कोई वेस्टर्न मार्ग है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया वेस्टर्न मार्ग, और एलिवेशन जो है वो हम एग्जिस्टिंग सरफेस से लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, राइट। अप्रोच ऑफसेट रोड आपसे पूछा गया है, अलाइनमेंट को कितना ऑफसेट करना चाह रहे हो। ऑफसेट करने का मतलब ये है कि जो अलाइनमेंट होगा वो बेसिकली 3 मीटर का हम ऑफसेट या फिर 4 मीटर का ऑफसेट कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल गैप में कितना विड्थ लेकर के चलना चाह रहे हो, इसको मैंने डिफाइन कर देते हैं 1 मीटर का मुझे गैप चाहिए। सी सारी यूनिट्स यहाँ पे मीटर में है, ओके। अब आपके पास एक इनकमिंग लेन होगी, एक आउटगोइंग होगी, यानी कि एक प्राइमरी होगा तो दूसरा सेकेंडरी कैटेगरी में डिफाइन किया जाएगा, लेन में, नॉट इन रोड्स, ओके। अब यहाँ पे जो अप्रोचिंग लेन है वो कितनी होनी चाहिए, 3 रखना चाह रहे हो, 3 यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। डिपार्टिंग लेन्स आपसे पूछी गई हैं, वो भी हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, और एक हर एक लेन के विड्थ आप यहाँ पे मेंशन करो। अगर 2 करना चाह रहे हो तो 2 कर दो, और IS कोड के बिहाफ पे मैं 3.5 यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। 3.5 मैंने रखा, ये होगा मेरे पास पहला रोड, ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ पे, ओके। आपके पास एक कैटेगरी डिफाइन हुई, अगली कैटेगरी ठीक ऐसे ही आपको डिफाइन करनी होगी। सेकंड यहाँ पे गिवन है, एक सेकंड रोड को डिफाइन करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेता है यहाँ पे, दिस इज माय सेकंड कैटेगरी, सेलेक्ट आपने किया, इसको हम मेंशन कर देते हैं जेएलएन मार्ग मेंशन किया, वही है अलाइनमेंट ऑफसेट आपसे पूछा गया है, कितना ऑफसेट रखना चाह रहे हो, 3 मीटर का रखना है, 2 मीटर का चाह रहे हो, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं रख देता हूँ 4 मीटर का ऑफसेट मैंने मेंशन किया, क्योंकि मैं कंपैरिजन भी करूंगा इसमें। सेंट्रल गैप विड्थ फिर से मैंने यहाँ पे 1 मीटर मेंशन किया। लेन्स जो है अगेन यू हैव टू सेलेक्ट 3.5 मीटर, और यहाँ पे भी लेन को मैं 3.5 रख देता हूँ, ठीक है। लेन्स को अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हो देन सिंपल यू हैव टू इंक्रीज इट, 3 रखना है, सिंगल रेखे चलना चाह रहे हो, 4 लेन रखना है वो हमारे ऊपर है, इसको भी हम ओके कर देते हैं। 2 लेन आपके पास क्रिएट हुई, ठीक है, 2 रोड बने। ठीक ऐसे ही आपको थर्ड कैटेगरी डिफाइन करनी होगी, और थर्ड कैटेगरी का नेम मैं रख देता हूँ यहाँ पे, डेट इज MG मार्क, ओके। अगेन अलाइनमेंट ऑफसेट इसको हम मेंशन कर देते हैं, जैसे पहले 3 का रखा अभी 4 है, इसको मैं थोड़ा सा फिर से मैक्सिमम कर देता हूँ, ऑफसेट में लेकर के चलता हूँ 5 मीटर का। अगेन सेंट्रल गैप विड्थ मैंने रखा 1 मीटर, और यहाँ से वही लेन वाला कॉन्सेप्ट है, विड्थ में रख लेता हूँ 4 मीटर का, और यहाँ पे भी मुझे 4 मीटर की विड्थ चाहिए, ओके। अब यहाँ से जो भी चेंजेस आपको करने हैं, आप 3 मीटर रखना चाह रहे हो, 4 रखना चाह रहे हो, वो हमारे ऊपर है, ओके। सो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ अगेन यू हैव टू सेलेक्ट, ओके। फिर से आपको एक और लेन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जो सबसे लास्ट में है, और इसका नेम हम रख देते हैं यहाँ पे, जो भी आपको नेम रखना है, लाइक मैंने ITO यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफसेट फिर से आपको मेंशन करना है, तो इसको हम 6 मीटर रख लेते हैं यहाँ पे, और गैप विड्थ जो है वो रखते हैं 0। लेन जो है यहाँ पे मुझे 2 ही चाहिए, 3.3 मीटर का विड्थ होगा, अप्रोचिंग और डिपार्टिंग सेम 3.3। फिर से मैंने किया इसे ओके, तो आपके पास 4 लेन यहाँ पे फिनिश हुए। अब जो आपके ने पॉलीलाइन यहाँ पे क्रिएट किया था, आप उन पॉलीलाइंस को इजिली हटा सकते हो, कमांड से बाहर आते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास लेन थे, 4 को हमने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद भी अगर आप चाह रहे हो कि राउंड अबाउट में और लेन हम ऐड करें, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, कि आपको पहले एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, उसके बाद आप इन्हें 4 लेन आपको चाहिए, 5 डिफाइन करने हैं, 6 रोड बनाने हैं, तो इजिली आप उनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप राउंड अबाउट बनाओगे कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अपडेट होंगे, जरा चेक करो नीचे गिवन है, बाउंड्री आपका ऐड हो रहा है,
एंटिटीज आपके पास यहाँ पे अपडेट हो रही हैं, ओके, सो इट विल टेक अ टाइम इन अपडेटिंग, ओके, सो आपको वेट करना होगा। जो भी रोड का सेंटर लाइन है, जो भी कंडीशंस आपने रखी वो डिफाइन होंगी, कुछ मार्किंग स्टाइल्स यहाँ पे होंगी, रेड कलर के कुछ मार्किंग्स आपको विजिबल होंगे, स्पीड स्टडी आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जैसे हम इन्हें जूम करेंगे, आप नोटिस करना कि आपके पास 4 यहाँ पे लेजेंड क्रिएट हुए हैं, 4 टेबल क्रिएट हुई है, क्योंकि 4 ही रोड हमने बनाए हैं। तो इन सभी 4 अप्रोचिंग के, इन सभी 4 लेन्स की आपके पास डिटेल यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने यहाँ पे राउंड अबाउट क्रिएट किया, तो उसके बिहाफ पे जो सोयल का कट फिल है, कितना एरिया यहाँ पे मार्किंग होगा, किस किस एरिया में कटिंग फिलिंग की जरूरत होगी, वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि जो लेन मेरे पास आई है, हम इन लेन को फिलहाल हटा देते हैं। अब इन लेन्स की हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट मैंने किया, सिंपल, आप डिलीट करो। थोड़ा सा जूम करते हैं इनको। अब जूम करने पर जरा चेक करें, जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, स्पीड स्टडी आपको चेक करना है। देखो जरा, यहाँ पे गिवन है JLN मार्क आपने क्रिएट किया, उसमें रेडियस 1 गिवन है, रेडियस 2 गिवन है, डेट इज योर व्हीकल 1, व्हीकल 2, ठीक है। ये आपके पास डिजाइन स्पीड है। ये अगर आप 154.85 मीटर का रेडियस लेकर के चलते हो, तो व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए 53.63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिफ्लेक्शन आपके पास जीरो रहेगा, FL का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो जितने जितने कर्व्स होंगे, उतना डेटा आपके पास यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। सेम आप फर्स्ट रोड का चेक कर सकते हो, जो वेस्टर्न मार्ग आपने बनाया था, R1 R2 यहाँ पे गिवन है, R3 का वैल्यू है, R4 है, R5 है, ठीक है। यही सारी कंडीशंस आप जो भी आपके पास अलग अलग कैटेगरी के रोड आपने डिफाइन किए हैं, इजीली यू कैन सेव इट, राइट। आपने ITO बनाया था, कुछ वैल्यू 6 मीटर का उसमें डिफाइन किया, रेडियस गिवन 86.63 मीटर, उसी के बिहाफ पे व्हीकल के डिजाइन स्पीड यहाँ पे गिवन है, दैट इज 42.84, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये चेक करना होगा कि फास्टेस्ट पाथ आपका कौन सा होना चाहिए, ठीक है। जैसे जूम करो, ये देखो, जूम करने पर आपको पता चल रहा है सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, मार्किंग किस तरफ होगी, व्हीकल का ट्रैकिंग मूवमेंट किस तरफ होगा, ठीक है, मार्किंग कैसे कैसे मेंशन करनी है, सो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। अब मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है। एडिटिंग का मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एनालिसिस किया जाए, उसके लिए हम सिलेक्शन करेंगे राउंड अबाउट को। सिलेक्शन करने पर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और उन मल्टीपल ऑप्शंस में मान लीजिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे अप्रोच लेन आपको ऐड करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द ऐड अप्रोच। स्लिप लेन आपको चाहिए, स्प्लिटर आइलैंड अगर आपको डिफाइन करना है, क्रॉस वॉक अगर आपको दिखाना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द ऐड क्रॉस वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस वॉक है आप उसे ऐड करवा सकते हो। देखो, आपने देखे होंगे कुछ जेब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं, सो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। मैंने एक अलाइनमेंट पे मेंशन कर दिया, बाकी के जो मेरे पास 3 अलाइनमेंट है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो हम उन पे भी डिफाइन करेंगे। अब जैसे ही आप क्रॉस वॉक यहाँ पे मेंशन करोगे, नोटिफिकेशन आता है, क्रॉस वॉक ऑफसेट फ्रॉम एग्जिट इंटरसेक्ट टू स्मॉल, यानी कि ये जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस वाले एरिया को थोड़ा सा और हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द नोटिफिकेशन। क्यों मिल रही है ये नोटिफिकेशन? क्योंकि हमने इन सभी एंटिटीज को ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, ठीक है, ताकि अगर कोई मिस्टेक हम करें तो उसका एरर हमें यहाँ पे विजिबल हो, ठीक। ऐसे ही एक क्रॉस वॉक में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इनसे पहले अगर आपको रंबल स्ट्रिप्स अप्लाई करने हैं, देन सिंपल यू हैव टू प्रोसीड टू द रंबल स्ट्रिप। रंबल स्ट्रिप्स बेसिकली हम एक अवेकनिंग मोमेंट के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो 2 रोड पे मैंने क्रॉस वॉक यहाँ पे मेंशन किया, उसका पूरा डेटा आपके पास अपडेट होगा, उसके जो भी मार्किंग्स होंगे, जो भी साइनेज कंडीशंस होंगे, स्पीड स्टडी है, वो भी यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। पूरा एरिया आप चेक कर सकते हो, मिल गया आपको। ऐसे ही मान लीजिए मुझे स्पीड के लिए स्ट्रिपिंग्स ऐड करनी है, ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अगर मुझे स्पीड स्ट्रिपिंग्स चाहिए, तो हम उनका यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ही आप रंबल स्ट्रिप्स डिफाइन कर सकते हो। अगर आप टोल बूथ पे गए हो, तो वहां पे आपने रंबल स्ट्रिप्स देखी होंगी। स्पीड स्ट्रिपिंग्स बेसिकली आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ टाइम पहले मिलेंगी, कुछ डिस्टेंस पहले आपको मिलती है, ठीक है। तो ये जो पूरा डेटा है, सिंपल आप यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और ऐसे ही हम राउंड अबाउट के लिए पर्टिकुलर रिपोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, स्पीड स्ट्रिपिंग्स में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जो कि गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद मैं जेब्रा क्रॉसिंग ले रहा हूँ, रीजन क्योंकि स्पीड कंट्रोल करेंगे उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग होना आपका ठीक है, ओके। रीजन आप डिफाइन कर सकते हो, साइट लाइन आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, डेटा को चेक करना है, रिफ्रेश करना है, रिपोर्ट चाहिए, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शंस एंड इजीली चेंज इट, ओके। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं, सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म।
PTS CAD Expert is a group of professionals where industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software. So I'm just taking an example of AutoCAD. मैं AutoCAD का यहाँ पे एक example ले रहा हूँ. AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे footing drawing, excavation drawing, column details, DPC, footing, and as you can see there are a lot of details. तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए. इस तरह के 50 प्लस सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं. तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए. अब इतना करके कमांड से बाहर आते हैं और यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपको राउंड अबाउट की किसी प्रॉपर्टी में चेंज करना है. सो यू हैव टू सेलेक्ट अ राउंड अबाउट प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी में किस तरह के चेंजेस करोगे? आपके पास चार आर्म हैं, चार आपने अलग अलग रोड यहाँ पे बनाए, उन सभी के ऊपर डेटा एनालिसिस हमें करना होगा. तो एक पैनल आएगा, उस पैनल में मल्टीपल ऑप्शन होंगे हमारे पास. ओके, लेट्स सी द पैनल. अब यहाँ से हमें वन बाय वन प्रेफरेंसेस को डिफाइन करना है. तो जो भी आप कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी को चेंज करोगे उसका एक प्रीव्यू हमें यहाँ पे मिलेगा और लेफ्ट साइड में एक प्रीव्यू गिवन है. तो सबसे पहले जनरल पे आते हैं. जनरल में जो भी चेंजेस आपको करना है कि आपके पास आईडी क्या होनी चाहिए, टाइप क्या था, नेम जो भी आपने मेंशन किया, स्टैंडर्ड यूज कोड कौन सा लेकर के चल रहे हो, सरफेस आपके पास कौन सा है, स्टैंडर्ड एरो चाहिए या फिर फिश हुक एरो चाहिए, ठीक है, तो हम एरो को भी इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास प्रेफरेंसेस कि नेम आपको कैसे अलाइन करने हैं, एलिवेशन कैलकुलेट करना है, तो अलाइन नेम टू आर्म्स आपको ये भी डिफाइन कर देना है. सो यू हैव टू सेलेक्ट अ अपडेट नाउ. तो वो कंडीशन आप चेक करो यहाँ पे, अपडेट आपके पास होती रहेगी. ठीक है, नेम्स को अलाइन करने के बाद आपके पास अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है राउंडर. तो इसमें जैसे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो डायमेंशन के ऑप्शन अवेलेबल होंगे, कैसा रखना है आपको. डायमेंशन पे आपने क्लिक किया तो उसकी लोकेशन आपको मिलेगी, सेंटर अलाइन, डायमीटर यहाँ पे गिवन है, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना है, एप्रन विड्थ आप इजीली चेंज कर सकते हो, लेंस को यहाँ पे चेंज करना है. ठीक है, तो जो भी विड्थ आपको मेंशन होगी, लेन वन का विड्थ कितना होना चाहिए, सेकंड का कितना होगा, थर्ड का कितना होना चाहिए, फोर्थ जो लेन होगी उसकी टोटल कितने विड्थ होगी, ऑफसेट कितना होगा, सर्कुलेटरी विड्थ, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. आपको मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया का ध्यान रखते हुए इन सभी नंबर्स को हमें फिल कर लेना है. ठीक, ऐसे ही क्राउन लाइंस के लिए ऑप्शन अवेलेबल है. क्राउन लाइन चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द क्राउन लाइंस. अब क्राउन लाइन बेसिकली होती क्या है, तब आप एक लेन से दूसरे लेन पे जाते हो तो जो मार्किंग आपके पास अवेलेबल होती है, सो दैट इज द क्राउन लाइंस, जो कि आपको डिफाइन करती हैं कि किस वे पे आपको विदाउट अवॉइडिंग द ट्रैफिक, विदाउट एनी कॉलिजन, आपको कैसे ट्रेवल करना होगा, ट्रैकिंग आपको कैसे करनी है. तो इसके लिए ऑफसेट आपके पास यहाँ पे गिवन है, सेकेंडरी क्राउन लाइन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, स्टॉक डेल मेथड भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हो. अगर स्टॉक डेल ना करते हो तो सिंपल आप क्राउन लाइन को भी फॉलो करो, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको. सो दिस इज योर सर्कुलेटरी क्राउन लाइन. अगर आइलैंड टू आइलैंड क्राउन लाइन चाहिए देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द आइलैंड टू आइलैंड. ओके, इसके बाद लेवल और ग्रेड्स के बारे में पूछा गया है. लेवल और ग्रेड में क्या है कि एलिवेशन तो बेसिकली हम एग्जिस्टिंग सरफेस से ले रहे हैं, और अगर सेंटर का डिफाइन करते हो तो कितना होगा उस पर्टिकुलर सरफेस का, 122.97.97 यहाँ पे गिवन है. नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओवरऑल क्रॉस स्लोप, टिल्टेड प्लेन चाहिए तो टिल्टेड को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ओवरऑल स्लोप कितना रखना होगा. ठीक है, फिर क्राउन लाइंस आपको कितने चाहिए सेलेक्ट आपको कर लेना है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द अप्लाई. तो यहाँ से जो भी कंडीशंस आप अपडेट करोगे वो यहाँ पे अप्लाई होंगी, एंटिटीज आपकी अपडेट होंगी. अब जो आपने चार अलग अलग नेम डिफाइन किए थे, दैट इज वेस्टर्न मार्क, JLN, MG एंड ITO, ठीक है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, सारे कंडीशंस यहाँ पे गिवन है. उससे पहले प्रेफरेंस राउंडर, जिसमें डायमेंशन और क्राउन लाइन गिवन है, और प्रेफरेंसेज और जनरल, ये सभी के लिए सेम होंगे. ओके, अब हम आते हैं वेस्टर्न मार्क में. तो वेस्टर्न मार्क में क्या है कि आपने प्लस के आइकन पे क्लिक किया तो डायरेक्शन इसका गिवन है यहाँ पे ईस्ट है, नेम जो आपने मेंशन किया. अब आप आओ अप्रोच रोड पे. अप्रोच रोड में ऑफसेट आपको कितना लेकर के चलना है, डिजाइन स्पीड कितना होना चाहिए व्हीकल का, ठीक है, एलिवेशन डेविएशन ऑफसेट कितना रखना है, डिफ्लेक्शन आपको कितना मेंशन करना होगा, डिफ्लेक्शन रेंज यहाँ पे गिवन है. ओके, आर्म बेस अलाइनमेंट कर्व आपको चाहिए तो फाइनल स्ट्रेट सिलेक्शन रखो, स्प्लाइन कर्व रखना है तो स्प्लाइन आप मेंशन कर सकते हो. तो स्प्लाइन कुछ इस तरीके से मेंशन होगा कि आप इस रोड पे कुछ इस तरीके से मेंशन करोगे, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपके पास हाइड होंगे. फिर
अगर आप आर्क चाह रहे हो देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द आर्क, ठीक है। अप्रोचिंग में लेन्स आपको कितने लेकर के चलनी है, तो लेन आपके पास एक होगा तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, दो लेन लेकर के चल रहे हो तो दोनों विड्थ कितनी होगी, डिपार्टिंग के लिए कितना क्राइटेरिया है, सो दिस इज योर अप्रोचिंग एंड दिस इज योर डिपार्टिंग, यानी कि आप इनकमिंग और आउटगोइंग डिफाइन कर सकते हो, ये आपका इनकमिंग हो गया और ये मिलेगा आपको आउटगोइंग, ठीक है। ऐसे ही एंट्री के लिए सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप चाह रहे हो कि इक्वल स्पेसिंग हो, लॉन्गर इनर लेन आपको चाहिए, स्ट्रेट यील्ड लाइन आपको डिफाइन करना है, लेन यील्ड लाइन चाहिए, इग्नोर कैपेसिटी कैलकुलेशन दैट इज सर्विस रोड नहीं, इसको हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे अप्लाई। इसके बाद एंट्री में आपने चेंजेस किया, ठीक, यही कंडीशन हम किस में लेकर के चलेंगे, एग्जिट में। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो आप किसी भी एक कंडीशन पे, एक अप्रोच लेन पे जा करके, एक मार्ग पे जा करके, एक रोड पे जा करके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको चेंजेस करो और बाकी के जो पाथ है उनको बाय डिफॉल्ट रहने दो, आपको डिफरेंस पता चलेगा वहां पे कि चेंजेस अगर आप करते हो तो क्या क्या विजिबिलिटीज होंगी यहाँ पे, किस तरह के एनोटेशन होंगे, क्या क्या एंटिटीज यहाँ पे अवेलेबल होंगी, और अगर चेंजेस नहीं करते हो तो एक सिंपल सा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक। यही सारी कंडीशंस आप एग्जिट पे डिफाइन कर सकते हो, ओके। लेन डिजाइन स्पीड कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ लेन का ऑफसेट, टैपर ऑफसेट कितना करना है, ऐसे स्प्लिटर ETW कंस्ट्रक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंसेस में डिफाइन करना चाह रहे हो तो एग्जिट रेडियस होगा, रेशियो अगर मेंटेन करना चाह रहे हो देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ओके। ऐसे ही आप आउटर ETW कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जो आपका ट्रेवल वे है, एज ऑफ योर ट्रेवल वे, ठीक है। स्प्लिटर और आउटर पे कितना रखना है, वो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सिंगल आर्क चाहिए आपको, ठीक है, आर्क टेंजेंट आर्क आप मेंशन कर सकते हो, सो दिस इज योर स्प्लिटर आइलैंड, ये जो एरिया होता है इसको हम स्प्लिटर आइलैंड कहते हैं, ठीक है। लेवल एंड ग्रेड्स अगर यहाँ पे डिफाइन करने हैं तो वर्टिकल ट्रांजिशन आर्क आप डिफाइन कर सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से गिवन होगा, सरफेस हमारे पास कौन सा रहेगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग, ठीक है। सो इन ऑप्शन को आप इजिली यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, तो पहले सभी को टिक कर लो, उसके बाद हम लास्ट पे अप्लाई कर देंगे। स्प्लिटर आइलैंड में जो चेंजेस आपको करने हैं, एंट्री कर्व लाइन कर्व होनी चाहिए, एग्जिट भी कर्व रखना है, राउंडेड रखना है, तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। हम वन बाय वन इन्हें चेंजेस करेंगे। ऐसे ही स्प्लिटर आइलैंड जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग आपको मेंशन करनी है, तो क्रॉसिंग कैसे रखना है, प्रोजेक्टेड चाहिए, प्रोजेक्टेड को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऑप्शंस हैं कि एंट्री इंटरसेक्ट कितना होना चाहिए, ऑफसेट कितना लेकर के चलोगे, क्रॉसिंग विड्थ आपको कितनी रखनी है, एग्जिट इंटरसेक्ट आपको कितना चाहिए, राइट। ऐसे ही आप एडिटिंग कर सकते हो यहाँ पे क्रॉसवॉक की, तो क्रॉसवॉक तो आपने आई थिंक मेंशन किया हुआ है, आप सिलेक्शन करो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइप कैसा होना चाहिए, सिंगल सिग्नलाइज पेडेस्ट्रियन चाहिए, डिटेक्टर भी आपको डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। पेगासस मोड में चाहते हो, पफिन मोड में, सो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। ऐसे ही मान लो आप चाह रहे हो इक्वेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, ओके। क्रॉसिंग टाइप आपको कैसे रखनी है, वो तो एंट्री था, ठीक है, ही आप क्रॉसिंग का डिफाइन कर दो, तो इसको भी पफिन की कैटेगरी में लेकर के आता हूँ। ऐसे ही हमने रंबल स्ट्रिप स्पीड स्ट्रिपिंग रखी थी, तो रंबल स्ट्रिप तो हमने नहीं रखी ना, ठीक है, स्पीड के लिए हमने मेंशन किया था, सो स्पीड स्ट्रिपिंग आपको चेंज करना है यहाँ पे, सेलेक्ट आप कर दो। टर्न एरोज आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कैसा रखना है, ठीक है, मेंशन यहाँ पे करो जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, किस तरह के एरो आपको चाहिए, उनके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी कि इनकी विजिबल स्टाइल्स गिवन है। ऐसे ही आपके पास ऑप्शन मिलेगा एनालिसिस का, जिसमें किसका करना है, स्पीड का करना होगा, फास्टेस्ट पाथ आपको अगर दिखाना है कि कोई भी व्हीकल मान लीजिए पहले रोड से दूसरे पे जाएगा तो उसमें फास्टेस्ट लेन कौन सा होगा, उसके लिए एक अलग से अलाइनमेंट क्रिएट हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द लेबल आर वन आर वाई वैल्यूज ऑन द फास्टेस्ट पाथ, ओके। इसके अलावा जो कैपेसिटी एनालिसिस है, जिसमें इफेक्टिव फ्लेयर लेंथ होगा आपके पास, कर्व लाइन डिस्टेंस होगा, ग्रेड डिफाइन करना है, स्प्लिटर आइलैंड मेंशन करो, लाइन स्पीड आपको कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो भी उसका हम डिटेल वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो जिसके लिए सब कुछ नोटिफिकेशंस हैं। एंट्री विड्थ को हम ई से डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो PHI है यहाँ पे गिवन है, चेक करो PHI, ये बेसिकली आपके पास कॉन्फ्लिक्ट और एंट्री एंगल है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे एल डैश है, डेट इज योर इफेक्टिव फ्लेयर लेंथ, ठीक। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक आर, डेट इज योर एंट्री रेडियस, वी जो यहाँ पे गिवन है ये बेसिकली अप्रोच हाफ विड्थ यहाँ पे आपको मिलेगा, D/2 डेट इज योर इंस्क्राइब सर्कल डायमीटर गिवन है यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन आपको कर लेना है, ऑटोमेटिक हमें एनालिसिस चाहिए, यू हैव टू सेलेक्ट अ अप्लाई। तो हमारे पास क्या होगा कि रेडियस 1 से लेकर के रेडियस 5 तक जहां जहां पे रेडियस है उसमें स्पीड स्टडी आपको यहाँ पे डिफाइन होगी, ठीक है। एंटिटीज अपडेट होने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे स्लिप लेन अगर आपको मेंशन करना है
ठीक है, जैसे मान लो कोई हम एक एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड कराते हैं, कुछ इस तरह का कंडीशन चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द स्लिप लेन। ओके, सिलेक्शन आपने किया यहाँ पे स्लिप लेन को, प्लस के आइकन पे आओ, किस तरह का स्लिप लेन आपको चाहिए सिलेक्शन कर लेते हैं, सिंगल रखना है, डबल रखना है। मुझे मान लीजिए डबल चाहिए, तो मैंने डबल मेंशन किया जिसके लिए टोटल रोड विड्थ कितना होना चाहिए, इनर लेन विड्थ कितना होगा, आउटर लेन विड्थ आप यहाँ पे मेंशन करो, स्लिप लेन का एंट्री आपको कैसे डिफाइन करना है, वन चाहिए, बोथ रखना है तो बोथ डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, एडजस्ट कर्व ऑफसेट फ्लेयर आपको मेंशन कर देना है, क्योंकि आउटर फ्लेयर और इनर फ्लेयर रेडियस वो बेसिकली एडजस्ट होंगे किसके बिहाफ पे, जो रोड और आपने कटिंग फिलिंग मेंशन किया उसके बिहाफ पे। ऐसे ही स्लिप लेन कर्व के बारे में डिफाइन करो। ठीक है, सिंगल फिटेड आर्क चाहिए या फिर फिक्स आर्क विद टेंजेंशियल लाइंस। ओके, ऐसे ही हमें स्लिप लेन एग्जिट ज़ेलन मार्क की तरफ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि पहला आपका रोड कौन सा है, फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे तो उसके लिए भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गया, सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द बॉथ और फिर से हम इनको एडजस्ट कर देते हैं। सेम यही जेल एंड मार्क की कैटेगरी में आपको लेकर के चलना होगा, अप्लाई करना है कंडीशंस को। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू स्लिप एंड क्लिक एयर अप्लाई, जिसमें मिडल एग्जिट एंट्री एंट्री कर्व ट्रांजिशन डिस्टेंस, ठीक है, एलिवेशन एडिशनल एलिवेशन एडजस्टमेंट कितना होगा, वो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इन एंटिटीज को अपडेट करने के बाद आपको हेड अप डिस्प्ले पे काम करना होगा। ठीक है, फास्टेस्ट पाथ एनालिसिस आप यहाँ पे डिफाइन करो। अभी देखो हमने सिर्फ एक का ही किया ना, वेस्टर्न मार्ग का, जो कि इस डायरेक्शन में था। ऐसे JLN मार्ग है, MG है, ITO, नॉर्थ वेस्ट साउथ गिवन है, इन सभी का हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ फास्टेस्ट पाथ एनालिसिस पे। सो यू हैव टू सेलेक्ट द प्लस आइकन। ओके, क्लिक प्लस आइकन टू एक्सपेंड द ट्री एंड व्यू द फास्टेस्ट पाथ एनालिसिस ऑप्शंस। फास्टेस्ट पाथ आपको कैलकुलेट करना है, ऑफसेट पाथ पूछा गया है कि किससे, कर्व लाइन से करना है, डेफिनेशन लाइन डिफाइन करनी है, आई लाइन से करना है, सो आपको एपरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही आपका रोड यहाँ पे डिफाइन है, सेलेक्ट आपको कर लेना है। व्हीकल पाथ आप यहाँ पे डिफाइन करो, आपको उसका रेडियस गिवन होगा, स्पीड यहाँ पे मिलेगी, सो इसका एनालिसिस मेंशन होगा यहाँ पे। ओके, ऐसे ही स्वेप्ट पाथ एनालिसिस आपको चाहिए, जिसमें व्हीकल ट्रैकिंग आपको रखनी है, तो डिजाइन व्हीकल पे क्लिक करो, सिलेक्शन आपको कर लेना है यहाँ पे दोनों, डिजाइन क्राइटेरिया आपके पास गिवन होगा, नया क्रिएट करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द न्यू, जिसके लिए आप अपने तरफ से नेम, ओवरऑल विड्थ, इफेक्टिव फ्रंट ओवर एंगल, ये बेसिकली व्हीकल के लिए है कि जो व्हीकल आप मेंशन कर रहे हो उसमें कितना चेंजेस, व्हील बेस कितना रखना है, इफेक्टिव ट्रेलर चाहिए, किंग पिन ऑफसेट रखना है, ड्रॉ बार लेंथ आपको चाहिए, तो एडिटिंग हम यहाँ पे इजिली करेंगे। ओके, अब यही सारी कंडीशन आप आरकेडी एनालिसिस के लिए कर सकते हो, जो डेटा आपको चाहिए एनेबल कर सकते हो आप इसको। यहाँ पे राउंड अबाउट गिवन है, वेस्टर्न मार्क का हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज वेस्टर्न मार्क। ओके, सिलेक्शन करके आपको अप्लाई कर देना है, तो यहाँ से आपके पास एक आरकेडी एनालिसिस होगा। ठीक है, अगला हम हेड अप डिस्प्ले के बिहाफ पे करेंगे, जिसमें जो आपके पास स्पीड स्टडी की डिटेल्स यहाँ पे गिवन होंगी, राइट। स्वेप पाथ एनालिसिस के बाद आपने डिजाइन व्हीकल को क्राइटेरिया को मेंशन किया, तो आपके पास एक व्हीकल का जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब हेड अप डिस्प्ले में आपको सारे ऑप्शंस डिफाइन करना है। ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट द सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस, सभी देखो यहाँ पे क्लिक होंगे। इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है, जिसमें लेवल ऑफ सर्विस आपको चाहिए, डेट इज LOS, रेशियो फ्लो कैपेसिटी डिफाइन होगी व्हीकल की। ठीक है, टर्न पाथ की स्पीड मेंशन होगी, फास्टेस्ट पाथ स्पीड होगा, एंट्री स्पीड मैक्सिमम चाहिए, ऑफसेट डिस्प्ले रखना आपको, कलरफुल कंडीशन चाहिए। ठीक है, जो भी सर्कुलेटिंग पाथ है उसका रेडियस भी आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस आपको होगा, तो यू हैव टू सेलेक्ट द ऑल द आइकन्स एंड क्लिक ऑन अगेन अप्लाई। हेडअप डिस्प्ले को जो भी है चेंजेस करने के बाद, हेडअप डिस्प्ले को शॉर्ट फॉर्म में आप HUD डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के टर्म में हम इसे HUD के नाम से स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद आपको विजिबिलिटी एनालिसिस करना है, जिसको हम बोलते हैं साइट एनालिसिस। अगर कार पे है तो व्हीकल का क्या एनालिसिस होगा, किस स्पीड पे कितना डिस्टेंस का साइट होना चाहिए, सो यू हैव टू सेलेक्ट द सर्कुलेटरी विजिबिलिटी। पहले आइकन को टिक कर देना है, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी, और यही सारी कंडीशन है वेस्टर्न मार्ग में भी चाहता हूँ, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस ऑन द अप्रोचिंग टू यील्ड रोन। ठीक है, ऐसे ही अप्रोचिंग साइट डिस्टेंस को मेंशन करना पड़ेगा क्रॉसिंग के बिहाफ पे, ट्रैफिक एंटर कर रहे हो तो वहां पे भी साइड डिस्टेंस कैलकुलेट होनी चाहिए, और सर्कुलेटिंग ट्रैफिक का डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, इन सभी कंडीशन को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। प्रीव्यू भी आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। अप्लाई मैंने किया, सो दिस इज योर विजिबिलिटी एनालिसिस, जिसमें साइड डिस्टेंस के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगला जो एनालिसिस आपको करना है, अगर आपने कॉरिडोर क्रिएट करना चाह रहे हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द कॉरिडोर।
साइनेज आपको दिखाने हैं, मार्किंग्स भी आप यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो, राइट। अब यहाँ से आपको कॉरिडोर मेंशन कर देना है। तो कॉरिडोर में देखो, कॉरिडोर तो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया ना, क्योंकि आपने एक रेफरेंस क्रिएट किया था, सरफेस आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो अलाइनमेंट होना चाहिए, अलाइनमेंट आपका अपडेट होगा, प्रोफाइल क्रिएट होंगे बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट आपके पास कॉरिडोर आएगा जिसमें असेंबली होगी, ग्राउंड कट एंड फिल ऑप्शंस होंगे, आउटसाइड कर्व मेंशन होगा, एग्जिस्टिंग सरफेस, कॉरिडोर टॉप सरफेस दोनों कंडीशन होंगी। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ रीबिल्ड नाउ। रीबिल्ड नाउ में ये है कि ये सभी कंडीशंस बाय डिफॉल्ट क्रिएट होंगे, आपको बार बार हर एक अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द क्रिएट अलाइनमेंट, उसको अपडेट करना है, प्रोफाइल आपने बनाया, प्रोफाइल को अपडेट करना होगा, कॉरिडोर आपने बनाया तो कॉरिडोर को भी हमें रीबिल्ड करना है, अपडेट करना है। यहाँ पे देखो प्रीव्यू अपडेट हो रहा है आपका, ठीक। ऐसे ही साइनेज कंडीशन पे ले आओ, तो साइन तो देखो हमें सभी के चाहिए ना, हमने ऑलरेडी से अप्लाई किया हुआ है। नाउ योर रोड मार्किंग्स, रोड मार्किंग में देखो क्या क्या चाहिए। वेस्टर्न मार्ग आप डिफाइन कर रहे हो तो उसमें अप्रोच कर मार्किंग होनी चाहिए जो कि ऑफ साइड एंट्री ऑफ साइड होगा। स्लिप लेन एंट्री सेपरेटर हमारे पास होना चाहिए, मार्किंग नियर बाय साइड जिसमें स्लिप लेन एंट्री नियर साइड होगा। लेन मार्किंग होगा, डिपार्चर लेन मार्किंग और डिपार्चर कर्व मार्किंग दोनों होंगे हमारे पास। सो आपको सभी ऑप्शंस को सिलेक्शन करके ऑप्टिमाइज फाइनल करना है, देन अगेन यू हैव टू सेलेक्ट और अप्लाई। इतना करने के बाद सभी एंटिटीज आपके अपडेट होंगी और यहां से हमें क्लोज पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो यहां पे चेक करो, जो भी लेन्स आपने वेस्टर्न मार्क को सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी यहां पे हाईलाइट है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको कर देना है यहां से क्लोज। क्लोज आपने किया, प्रीव्यू आपका यहाँ पे हाइड हुआ। अब आप मिनिमाइज करो अपने सरफेस को, तो जो भी चेंजेस आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक लाइन पे मिलेगा, बाकी में क्या होगा, जो कंडीशन हमने डिफाइन नहीं की वो हाईलाइट नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड स्टडी आप चेक करोगे, पूरा एक लेजेंड आपके पास क्रिएट होगा, पूरा टेबुलर फॉर्मेट आपको मिलेगा जिसमें हर एक एक लेन की आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल्स यहाँ पे गिवन होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंडिंग एक्सटीरियर बॉर्डर्स आपके अपडेट हो चुके हैं, सारे ऑप्शंस देखो जरा, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे। नाउ दिस इज योर फाइनल कॉरिडोर, ठीक है। अब देखो कॉरिडोर आपका क्रिएट हुआ, राउंड अबाउट यहाँ पे बना, जरा व्हीकल, दिस इज योर फर्स्ट लेन जो कि वेस्टर्न मार्ग था। देखो यहाँ पे ट्रेलर्स गिवन होंगे आपको, कुछ मार्किंग्स यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। स्पीड स्टडी चेक करोगे तो भी देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, जो रंबल शेप आपने डिफाइन किया, मार्किंग आप लेकर के चल रहे थे, ओके। सो नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शंस। अब देखो जरा रेडियस वन है आपके पास, वेस्टर्न मार्क की डिटेल्स चेक करो, जेएलएन मार्क का डिटेल आप यहाँ पे देखो, एमजी रोड है, आईटीओ, सभी डिटेल्स को आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। रेडियस गिवन है, डिजाइन स्पीड गिवन है, ठीक है। व्हीकल अगर आपका 23.73 पे है तो उसका रेडियस 17.27 मीटर का होगा। फास्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन यहाँ पे चेक करो, 30.81 किलोमीटर का है, ठीक है, 29.11 का, 30.59 और सबसे लास्ट आपका कौन सा, 29.35। तो मैक्सिमम आपका कौन सा होगा, वेस्टर्न मार्क जो आपने डिफाइन किया। डिफ्लेक्शन हमारे पास जीरो है, एंट्री विड्थ यहाँ पे गिवन है, एंट्री रेडियस आप यहाँ पे चेक करो, सभी का डिटेल में गिवन है। इफेक्टिव फ्लेयर कितना है, एल और एलएम दोनों कंडीशन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आर्म डिस्टेंस, कर्बाइन डिस्टेंस, कर्व लाइन डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो डिटेल्स आपके पास कौन सी है, डायमीटर से रिलेटेड, जो कि एप्रन, सेंट्रोइड एंड रोड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको 3D में देखना चाहते हो, सिलेक्शन करके आप ऑब्जेक्ट व्यूअर की कैटेगरी में आएंगे तो पूरे राउंड अबाउट को आप 3D में चेक करोगे, ठीक है। देखो जरा ये मार्किंग्स यहाँ पे गिवन है, किस लेन में आपको जाना है। देखो फास्टेस्ट लाइन एंट्री स्पीड 2 लार्ज, ठीक है, ये सिर्फ क्या नोटिफिकेशन है, दीज आर नॉट द वार्निंग्स। और अगर इसका रिपोर्ट चाहिए तो आप सिलेक्शन करो इसे, सिलेक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं राउंड अबाउट रिपोर्ट, आपको पूरी डिटेल यहाँ से मिलेगी। डिजाइन चेक करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द डिजाइन, यहाँ पे कोई एरर है तो उसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है, एज अ ड्रॉइंग शीट यहाँ पे आपको विजिबल होगा। इसके अलावा स्प्लिट आइलैंड, क्रॉस वॉक, रंबल स्ट्रिप्स, जो भी आपको डेटा चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाकर के हम इसी डेटा को 3D में चेक कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट व्यूअर, टॉप से आप इसे देख रहे हो, आपको सिलेक्शन करके आइसोमेट्रिक को डिफाइन कर लेना है, और आइसोमेट्रिक में यहाँ से हमने ऑलरेडी किसको सिलेक्शन किया हुआ है, रियलिस्टिक को, तो आप थोड़ा सा मिनिमाइज करो। देखो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन गिवन, मैं मिनिमाइज करके इसको जरा चेक कर देता हूँ। देखो ये अभी एक आपको शॉर्ट हाईलाइट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये शॉर्ट हाईलाइट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन करके आप डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। एस्केप कर दो,
नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट व्यूअर, सो 3D में आप इसे इजीली चेक कर सकते हो। अब जो कट फिल आ गया, जो सरफेस आपके पास आया, आप एक प्रपोज बनाओ, एक एग्जिस्टिंग बनाओ, दोनों का कट फिल हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर सब असेंबली चाहिए देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द असाइनमेंट ऑप्शंस, और यहाँ पे हम इजिली असेंबली को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर राउंड अबाउट। इसके अलावा और भी काफी एनालिसिस हैं इसमें, सो यू कैन प्रोसीड टू द लाइव सेशन। इसके अलावा जो भी अप्रोचिंग डिटेल्स और एनालिसिस है, हर एक एक रोड का जो एनालिसिस होगा, कॉरिडोर आपको कैसे रिबिल्ड करना है, इसमें 3D ऑब्जेक्ट कैसे मेंशन करोगे, स्पीड स्टडी के लिए आपको वॉक थ्रू और एनिमेशन कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट करोगे राउंड अबाउट का, वो सभी ऑप्शन आप डिटेल में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ योर राउंड अबाउट।